नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निबंध लेखन का महत्व क्या है, सबसे पहले तो ये आपको समझना चाहिए। और महत्व इतना ज़्यादा है कि ये किसी भी परीक्षा में सेलेक्शन करवाने में भी अहम भूमिका निभाता है और सेलेक्शन रोकने में भी अहम रोल इसी का होता है। दोस्तों, चाहे आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे आपकी PCS की परीक्षा हो, चाहे BEO की परीक्षा हो, या जितने भी एक स्तरीय एग्जाम हैं, उन सभी परीक्षाओं में निबंध लेखन का एक बहुत ही बड़ा वेटेज है। अगर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें दोस्तों, तो समीक्षा अधिकारी में 120 अंकों का निबंध का पेपर होता है, जिसमें 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध आपका 40 अंकों का होता है और 600 शब्दों में एक निबंध आपको लिखना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको 9 निबंधों में से, अर्थात 3 खंडों में 9 निबंध दिए होते हैं टॉपिक। इसमें से 3 टॉपिक का चयन आपको करना होता है, प्रत्येक खंड से 1 टॉपिक का चयन करना होता है और उस पर निबंध आपको लिखने होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरली टेंडेंसी हमारी ये होती है कि बच्चे पूछते हैं कि सर, निबंध लेखन के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। तो निबंध लेखन के लिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। तो निबंध लेखन में दोस्तों, अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि UPSC द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं जिसमें निबंध पूछा जाता है, उसके लिए दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी निबंध आपके टॉपिक दिए गए हैं, उन सब पर निबंध आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और बहुत ही आसानी से दोस्तों, आपको PCS की परीक्षा में पूछे गए निबंध के सॉल्व पेपर्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सबसे पहले जाइए और उन सॉल्व पेपर्स को आप लेकर आइए, ठीक है। निबंध में स्कोर करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे RO में 120 अंकों का निबंध आता है, PCS में 150 अंकों का आता है। PCS में भी 3 निबंध लिखने होते हैं, RO में भी 3 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। PCS में आपका 50 अंकों का एक निबंध होता है, 700 शब्दों का। RO में आपका 40 अंकों का एक निबंध होता है दोस्तों, और 600 शब्दों का। अंतर सिर्फ इतना ही है। और दोनों ही परीक्षा में दोस्तों, याद रखिएगा, जिसके निबंध में अच्छे मार्क्स होते हैं, वही फाइनल सिलेक्शन में अच्छा रैंक सिक्योर करता है। ये आप सबको ध्यान रखना है। इसीलिए दोस्तों बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको कौन सी बुक रेफर करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन मार्केट में अवेलेबल है, जाइए वहाँ से उस कंपाइलेशन को उठाइए और कंपाइलेशन को जितने निबंध के टॉपिक दिए गए हैं, उन निबंध के टॉपिक को आप अच्छे से क्या करिए, तैयार करिए। सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और उन निबंधों को 2-3-4 बार पढ़ लीजिए और उन्हीं को पहले तो लिखने का प्रयास करिए। सबसे बेस्ट चीज आपको बता रहा हूँ। और आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, आंसर राइटिंग हो GS में, PCS में, चाहे वो RO और PCS में निबंध लेखन का पेपर हो। एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, एक सबसे बड़ी कमी जो छात्र करते हैं, निबंध को चेक नहीं कराते। आपके पास, आपके आसपास कोई भी ऐसा फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, जिससे आप चेक करा सकें, आपको अपना इवेल्युएशन कॉपी का जरूर कराना चाहिए, जिसने आपका सिलेक्शन लिया हो, मेंस क्वालिफाई किया हो, इंटरव्यू दिया हो। जरूर आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, उस पेपर को, जिस जो आपने निबंध लिखा है, उस पेपर को चेक कराइए। गेट इट चेक बाई अ सेलेक्टेड कैंडिडेट और जो इंटरव्यू लगातार दे रहा है, ये आपको जरूर कराना चाहिए दोस्तों। किसी भी, आप ऐसे स्टूडेंट से अगर अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं जो प्रीलिम्स तक नहीं क्वालिफाई है, तो आप एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और जनरली दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोचिंग संस्थाओं में होता क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी, देखिए सब दोस्तों, मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ कि जो मेंस लगातार दे रहे बच्चे होते हैं, वही कॉपीज चेक करते हैं। आप सभी लोग जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करते होंगे निबंध की, उन सब सब में यही होता है दोस्तों। तो उस चीज़ से बचिए। आपको क्या करना है, आपको किसी का भी चयन आप कर लीजिए, जिसको लगता है कि यहाँ आपको गाइडेंस सही मिल सकता है, उस टीचर का चयन कर लीजिए, उस संस्था का चयन कर लीजिए। वहाँ से दोस्तों, बस ये इंश्योर करिएगा कि कॉपी जो है, जो आपके चेक कर रहा है, वो स्वयं टीचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जो आपको निबंध लेखन कार्यक्रम में देखनी चाहिए, जो आप लोग सब लोग देखें और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों अपना निर्णय लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सेकेंड स्टेज क्या करनी है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। और न्यूज़पेपर पढ़ना किस लिए है, संपादकीय पढ़िए, हिंदी माध्यम वाले, जो दैनिक जागरण, जनसत्ता आता है उसमें का, और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, उसका एडिटोरियल पढ़ें, ठीक है। ये जब आप पढ़ते हैं तो एक परसेप्शन, एक दृष्टिकोण मिलता है आपको, और आंकड़े या डेटा मिलते हैं। जब आप उसको पढ़िए
तो आधे घंटे का समय देकर पढ़िए और उसके जो मुख्य आंकड़े हैं उसको निकालिए, उसकी एक रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। और वो आंकड़े आपको निबंध को शुरू करने में इंट्रोडक्शन के स्टेज पे काम आएंगे, निबंध को आखिरी में कंक्लूड करने में आपको कंक्लूजन के स्टेज पे काम आएंगे, और जो आंकड़े होंगे, जो आपके आंकड़े हैं उसको आप फ्लो चार्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप अपने निबंध के मुख्य प्रसंग या मेन बॉडी में शो कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत दोस्तों मैं आपको न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ, जो आपको निबंध लेखन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको एक मैगजीन मैं बोलूँगा, वो मैगजीन सभी छात्र लोग पढ़ें, बहुत पतली सी मैगजीन होती है योजना मैगजीन, जो सिविल सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड मैगजीन मानी जाती है। उस मैगजीन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दोस्तों आपको मैप्स, फ्लो चार्ट्स, इमेजेस और डेटा सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियलिस्टिक मिल जाते हैं। वहीं से आप क्या करिए, अपनी निबंध लेखन की एक रजिस्टर बनाइए, जिसमें आप जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं पूरा एडिटोरियल चिपका के मत रखिए, लोग काट के चिपकाने लगते हैं, वो खैर काम मत करिए, जो रिलेवेंट चीज़ है उसको निकालिए, डेटा नोट करिए, फैक्ट्स नोट करिए, कोटेशन नोट करिए, उस रजिस्टर में डाल दीजिए। इसके बाद योजना पढ़िए, मंथली मैगजीन है, एक मैगजीन आती है केवल, उठाइए, सीधे आपको निबंध का टॉपिक दोस्तों से मिल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ, निबंध के प्रश्न सीधे दोस्तों आपको लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के या संघ लोक सेवा आयोग के आपको योजना के एडिशन से मिलते हैं दोस्तों, ये मैं आपको अपना अनुभव से बता सकता हूँ, ठीक है। आप आजमा के देखिएगा, योजना पढ़ के देखिए, और निबंध की इस बुक से सीधे प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो तीन चीज़ें करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा न्यूज़पेपर का एडिटोरियल या संपादकीय और योजना मैगजीन, अगर ये आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। निबंध में अच्छा नंबर स्कोर करके, पीसीएस में 100 प्लस और आरओ में 80 प्लस 85 प्लस स्कोर करके आप सभी लोग दोस्तों अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं, आरओ में समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं और पीसीएस में एक अच्छा पद सिक्योर कर सकते हैं आप सभी, ठीक, क्लियर है। अब रही बात दोस्तों, अगर आप हमारे निबंध लेखन कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे भी ऐसे राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें दोस्तों आपको हम 15 से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज तैयार करवाएंगे, उसकी मॉडल एसेज हम आपको देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, जिसे आप प्रिंट आउट करा सकते हैं और अपना निबंध तैयार कर सकते हैं, और अपने अनुभव के आधार पर वो 15 से 20 टॉपिक जो मैं आपको दूंगा उसमें से निश्चित तौर पर आपको जो 3 निबंध का चयन करना होता है, मैं कोशिश करूंगा कि 3 निबंध आपके मिल जाए, ठीक है। और आपको 15 से 20 टॉपिक जो हम तैयार कराएंगे उसकी कॉपी स्वयं मैं आपकी चेक करूंगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, और इवैल्यूएशन स्वयं मैं करूंगा, इसलिए मात्र 50 बच्चों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर जो बैच चल रहा है वो केवल 50 बच्चों के लिए होता है, ठीक है। 2021 के टाइम में PCSRO का ऐसे ही एग्जाम आसपास लगा हुआ था और हमने ऐसे राइटिंग का बैच चलाया था, उसमें से दोस्तों 50 बच्चों का बैच था, 15 से 20 बच्चे फाइनल दोस्तों PCS में और निबंध और RO में सेलेक्ट हुए, जिसमें उनके निबंध के मार्क्स बहुत अच्छे आए और उनके मैसेजेस भी दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारे कम्युनिटी पे यूट्यूब पर पढ़े, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। याद रखिएगा आप सभी लोग निबंध लेखन का बैच हमारा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी लोग दोस्तों 9559088796 नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपको यहाँ पर निबंध की तैयारी मिल रही है, ठीक है, और 2 टॉपिक्स दोस्तों हम लोग पर वीक रेडी कर रहे हैं और आपकी कॉपीज चेक होकर लगातार आपको सैटरडे तक मिल जाती है, ठीक है, तो आप जुड़िए और निश्चित तौर पर दोस्तों 15 से 20 ऐसे निबंध हम लोग तैयार कर लेंगे जिससे 3 हमें एग्जाम में मिल जाए, और निबंध की जो बुक मैंने आपको बताई है एग्जाम में सीधे निबंध के टॉपिक आपको उससे मिलेंगे, और उसका नाम याद रखिएगा योजना, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।